गए हम यहाँ से अच्छे से निकले हैं, हम लोग को तो 8:30 बजे पता चला कि उनको चाकू से गोद डाला गया है कह के 21 मई की रात को। हाँ जी। और उसके बाद हम लोग फिर सीधा हॉस्पिटल गए। ऊपर में हम लोग नहाने के लिए जाते थे तो गंदे गंदे सारे और क्या बोलते हैं गाली गलौज करता था और कमेंट पास करता था गंदे गंदे। मैंने तो होगा कि कोई रैकी कर रहे हैं। हाँ अभी भी लगता है, मुंह बांध के आते हैं तो डर लगा रहता है कि कोई कुछ कर देगा करके। अकेले जाना होता है हम लोग को कहीं। मोरो नान नान बाल बच्चे भैया तो वो कौन बोले में मतलब देखी आई फिर मार दी फिर का मतलब डर है भी। हाँ डर डर तो है ही, सामने सामने ओकर घर है वो तो मोर बच्चा का कह रही मोला तो कोई नहीं मार सके दाई मोर पीछू से वार करी तेने मार ही कह रही से। 21 मई 2024 रात तकरीबन 8 बजे के आसपास दुर्ग का गंजपारा, मंत्री यादव नाम के शख्स की हत्या। ये चर्चित हत्याकांड है दुर्ग का और इस हत्याकांड में कई बड़े लोग शामिल थे और एक गैंग शामिल था। हिस्ट्री सीटर गुंडा, पूर्व पार्षद, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय दुबे मास्टरमाइंड की भूमिका में था। इसके अलावा उसके परिवार के सदस्य, भतीजा और बाकी लोग, अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम समेत अन्य लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। हत्या की वारदात को बीच चौराहे में अंजाम दिया गया, चाकू गोद कर इंजी मंत्री यादव की हत्या कर दी गई और मंत्री यादव के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। और इस हत्याकांड को 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, परिवार में अभी भी शोकाकुल माहौल है और परिवार के लोगों की डिमांड है कि अजय दुबे जो लगातार अपराधों में संलिप्त रहा है, चाहे छेड़खानी का मामला हो, चाहे दुष्कर्म पॉक्सो का मामला हो, चाहे अन्य किसी वसूली रंगदारी, तमाम कई सारे अपराध उसके खिलाफ दर्ज रहे। और मंत्री यादव के ठीक घर के सामने जो है अजय दुबे का घर है, ये आपको दिखा दूं कि ये वाली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही होगी, लाइट लगी हुई स्ट्रीट पोल जो लाइट लगी है और जो वाइट बिल्डिंग बीच में नज़र आ रही है, ये अजय दुबे का घर है। मंत्री यादव और अजय दुबे आमने सामने हैं, पड़ोस में रहते हैं और पुरानी रंजिश के चलते अजय दुबे ने ये साजिश रची और साजिश रचने के बाद उसके परिवार के जो सदस्य थे, चाहे भतीजे हो और बाकी जो साथी हैं, उन्होंने चाकू से गोद गोद कर मार दिया। और हम मंत्री यादव जी के घर पर हैं, परिवार शोकाकुल है और परिवार की डिमांड है, वो डिमांड को भी सुननी चाहिए कि परिवार के लोग उस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं, अजय दुबे को लेकर क्या कह रहे हैं और चाहते क्या है न्यायपालिका से, शासन से, प्रशासन से और कोर्ट से, बात कर लेते हैं। भाभी जी नमस्ते जी। उस दिन क्या हुआ था रात को, मंत्री जी यहाँ से गए होंगे, मंत्री यादव गए, हम यहाँ से अच्छे से निकले हैं, हम लोग को तो 8:30 बजे पता चला कि उनको चाकू से गोद डाला गया है कह के 21 मई की रात को। हाँ जी। और उसके बाद हम लोग फिर सीधा हॉस्पिटल गए, वहाँ से यानी कि ये हुए कि ठीक है बोले, फिर हम लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को नहीं बताया गया था कि वो ऐसे हो गए हैं, लेट हो गई है कह के, और हम लोगों को घर भेज दिए कि हम शंकराचार्य ले जा रहे हैं ऐसे कह के। रात में ही उनकी मौत हो गई। हाँ रात में ही हो गई थी, पर हम लोगों को बच्चे और हम लोगों को नहीं बताया गया था कि वो ऐसे हो गए हैं कह के। पुलिस वाले बयान लिया, आप लोगों से बातचीत की होगी? नहीं नहीं किए हैं हम लोगों से। हाँ जो भी, हाँ वही बात हुई है उन लोगों से। अजय दुबे से आप लोग की पुरानी रंजिश है, किसी विवाद है, क्या चीज़? हाँ वही पहले वाला, यानी कि वही मार धाड़ करते थे पहले और हम लोगों को यानी कि जान से मारने की भी धमकी दिए गए थे कि यानी कि मेरे मिस्टर को कि क्या कहते हैं उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो, ऐसे कह के उसको जान से मारने की भी धमकी दे दिए थे। और वहाँ पर खड़े होकर असली, हाँ असली हरकत यानी कि वही गाली गलौज करते रहता था हम लोगों के साथ, तो इसी वजह से हम लोग रिपोर्ट लिखवाए थे। साल भर पहले की बात हुई नहीं, यही 7-8 महीने। मारपीट वगैरह कुछ कुछ भी बात? हाँ हाँ उसी के कारण ही हुआ था सब, यानी कि वही बोले थे ना असली हरकत करता था करके, तो इसी वजह से हम लोग यानी कि रिपोर्ट लिखवाए, वही मार धाड़ इसीलिए हुआ था उनके साथ। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग, मतलब इसके हमको सभी आरोपी गिरफ्तार? हाँ तो हम तो यानी कि ये कहते हैं कि सरकार से विनती करते हैं कि क्या कहते हैं उनको फांसी की सजा हो, और जैसे हमारे यहाँ हम लोगों को बेसहारा छोड़े हैं वो लोग भी वैसी हो, वैसे बोलती हूँ मैं तो। क्योंकि मेरे बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, वही है मेरे घर कमाने वाले थे और हम लोग अब एकदम लाचार हो गए हैं।
तो हम तो डिमांड करते हैं कि उनको फांसी की सजा हो। मंत्री यादव जी के बारे में पुलिस ने कहा था कि वो गैंगस्टर है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत पहले, यानी कि वो 20-22 साल हो गया, क्या कहते हैं, वो सब छोड़ दिए थे। और वो 20-22 साल से, हाँ 22 साल से कोई कांड नहीं हुआ है। ठेका स्टैंड चलाते थे ना? हाँ, इसके स्टैंड में रहते थे वो, और अपना घर से काम, काम से घर रहते थे वो। आखिरी बार क्या बात हुई थी जब रात में 8 बजे के आसपास कांड हुआ, उससे पहले? उससे पहले नहीं, सिर्फ ना हम लोग बोले अब तो काम से आ गए हो आप, तो अब रुक जा, अब कहाँ जा रहे हो कह के, तो बोले क्या कहते मैं आ रहा हूँ, ऐसे निकलते थे थोड़ा सा घूमने के लिए। हाँ, शाम को आते थे काम से, तो मैं बोली, बच्चे लोग भी बोले रुक जाओ पापा आप कहाँ जा रहे हो, कहते तो आ रहा हूँ ना बेटा मैं, थोड़ा सा ऐसे कह के निकले हैं, फिर उसके बाद लौटे नहीं। कौन कौन है बच्चे? ये छोटी, सबसे छोटी वाली गुड़िया है, ये बीच वाली है, और बड़ी वाली है। तीन बेटियां हैं? हाँ, तीन बेटियां हैं। और ये मेरी देवर है, देवर का बेटा है, ये ननंद है, ये भांजा है, ये क्या कहते हैं सास है। मंत्री यादव जी से तो बात हो रही है उदिन? नहीं हुई, नहीं हो रही उदिन। हाँ हाँ, मूला खाते भी नहीं हुए। तो अजय दुबे धमका चमका तो मूला नहीं, हमला नहीं धमका, पूरा नहीं धमका दी। हाँ हाँ ठीक है। आप लोग को कुछ बोलते थे बेटा? हाँ, ये ऊपर में हम लोग नहाने के लिए जाते थे तो गंदे गंदे सारे, और क्या बोलते हैं, गाली गलौज करता था और कमेंट पास करता था गंदे गंदे, बिना कपड़े का खड़े हो जाता था, अपने आप को, मतलब अपने आप को ऐसे ही दिखाता था बिना कपड़े का, और क्या बोलते हैं, हम लोग को गंदे गंदे गाली भी पास करता था। मना करते थे तब भी? हाँ हाँ, रिपोर्ट भी दर्ज करवाए थे, इसी कारण करवाए थे हम लोग लगातार। हाँ हाँ, और भी मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों को इसके पे बता रहे थे। हाँ, बहुत लोगों को ऐसे किया है, बहुत ही घर को प्रताड़ित किया है, पर बोलने वाले लोग बोलते नहीं हैं। पर अब क्या कहते हैं, अपने घर के बच्चे लोगों को करेंगे तो कोई घर वाला कोई नहीं होता। बहुत यानी कि गंदी हरकत ही करता था सब लड़कियों के साथ। फांसी हाँ, फांसी ओल मिलना चाहिए। मोरो नान नान बाल बच्चे भैया, तो वो कौन बोले में मतलब देखी आई फिर मार दी, फिर का मतलब? डर है भी? हाँ, डर डर तो है ही, वे सामने सामने उकर घर है, कभी भी आ सकते ओकर लड़का मन भी कभी कर, वो दे कर दिस ना ओकर लड़का मन, वो तो मोर बच्चा का के रिस मोला तो कोई नहीं मार सके दाई, मोर पीछू से वार करी तेने मार ही के रही से, असच में पीछे से मारिस, धोखा देके। हाँ, धोखा दे दी सोला, धोखा देख मारे ही। क्या बोल सकते? सबको परेशान करके रखा था, जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा तब तक हमारे पापा के इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है उनके अलावा, उनको सजा होना चाहिए, अगर वो छूट गया तो हम लोग को वो परेशान करके रख देगा। अभी भी इधर से आते जाते हैं लड़के मुँह बांध बांध के, पता नहीं कौन कब क्या कर देगा, कुछ नहीं पता, हम लोग को अकेले जाते आते रहते हैं। अभी तक तो नहीं मिला है कोई रैकी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी लगता है, मुंह बांध के आते हैं तो डर लगा रहता है कि कोई कुछ कर देगा करके, अकेले जाना होता है हम लोग को कहीं। वही थे हमारे करने धरने वाले, उनको फांसी होना चाहिए, अगर वो छूट गया तो हम लोग को परेशान कर दे, सबको परेशान करके रखा था मोहल्ले में, सबको गंदे गंदे मैसेज करता था, गंदे गंदे इशारे करता था छत में खड़े होके, बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था, उसको फांसी होना चाहिए तभी इंसाफ मिलेगा, मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत। लेकिन कोर्ट तय करेगी अब तो, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा, हम लोग को चाहिए इंसाफ, हम लोग को चाहिए इंसाफ, उनको होना चाहिए फांसी, तभी तो इंसाफ मिलेगा हमारे पापा को, पीछे से कायर जैसे वार किए हैं। जी बेटा, आपसे कब बात हुई थी पापा जी सर की? पापा जी से उसी टाइम, उसी दिन लास्ट बार बात हुई थी मेरी, सुबह देखी हूँ, बात किए थोड़ा सा, फिर चले गए। फिर शाम को ही खबर मिली? हाँ, शाम को ही खबर मिली मुझे। बाकी कोर्ट में तो अभी सब जा ही सब पेश कर लूँ आप लोग। हाँ। बाकी वकीलों की लगाना भी पड़ेगा आप लोग। ठीक है, और कोई विषय कोई जरूरी जो आप लोग को डर वर लग रहा है सब, पुलिस का आप लोग सहायता मांग रहे हो? अब देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, फिर क्या करोगे आप, वो लोग तो अंदर हैं, फिर उनके बच्चे, हाँ उनके बच्चे लोग हैं ना बाहर हैं, बोलते हैं उनके बीवी बच्चे लोग ही तो ज़्यादा मास्टरमाइंड है उन लोग। ठीक है,
मंत्री यादव का परिवार है और जो कह रहे हैं कि भाई उन्हें अभी भी डर है इस बात को लेकर कि क्योंकि कभी भी उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, बेटियां थोड़ी सी घबराई हुई हैं और कानून से यानी कि न्यायपालिका से सिर्फ न्याय की यही डिमांड है कि उसे फांसी दी जाए, इस केस में जितने भी हत्यारे हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और फांसी ही सज़ा होगी तभी न्याय इन्हें मिलेगा।